मुझे लगता है कि पहली चीज यह है कि एयरफोर्स से हम सब ने जो राजनीतिक दल है उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्हें बहुत बार बीजेपी ने ऐसे स्टंटबाजी में खींचा है। फिर वो शायद गडकरी साहब के टोल के हाईवे हो या फिर आज जो C-295 एयरक्राफ्ट हो जिसका लैंडिंग उन्होंने नवी मुंबई में किया। अगर इतना ही रेडी रनवे होता तो पूरे एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन कर देते। ये कोई हमारे जो इलीगल सीएम है वो चांद पे या किसी दूसरे ग्रह पे नहीं गए कि दिखाने के लिए, स्टंटबाजी करने के लिए। यहां काम शुरू है, हमारी सरकार में भी काम शुरू था, अभी भी काम जारी है। शायद इस आने वाले साल के अंत तक वो पूरा एयरपोर्ट रेडी होगा, फिर जो भी सरकार में हो उसका उद्घाटन करे। लेकिन चुनाव के पहले कोई स्टंटबाजी करे, वायुसेना का एक विमान लेके वहां लैंडिंग करे। अच्छा, ये भी एयरक्राफ्ट कौन सा है? तो C-295 जिसे कहा गया है, इसकी खासियत यह है कि ये शॉर्ट और अनपेव्ड रनवे पे भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। तो क्या ये रनवे अनपेव्ड है? किसी ने जाके देखा है? और अगर पूरा बना हुआ होगा एयरपोर्ट, टर्मिनल हो, सब हो, तो फिर उद्घाटन ही कर दे। दूसरी चीज यही रहती है कि हमने 2022 साल में इस एयरपोर्ट का नामकरण किया था श्री दीबा पाटिल अंतर्राष्ट्रीय विमानतल। क्यों भाजपा की सरकार ने इसे मान्यता नहीं दी? हमने छत्रपति संभाजी नगर में जो एयरपोर्ट है उसका नाम छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट करके दिया था, 2020 में दिया था, तो भी केंद्र सरकार ने अभी तक मान्यता नहीं दी। इतना गुस्सा क्यों है महाराष्ट्र के बारे में इनके मन में? इतना द्वेष क्यों है महाराष्ट्र के बारे में? लूटते तो महाराष्ट्र को ही, तो कुछ एक दो बात तो सुने महाराष्ट्र की।